क्वेश्चन है सीपी जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, हम सबने देखा कि 2 साल कैसे पूरी तरह से तबाही जो है पूरी दुनिया में मची हुई थी। उस दौरान कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोगों ने हमने अपनों को खो दिया। अब एक बार फिर से एक नया वायरस जो सामने आया है, H3N2, ये वायरस सर क्या है, कैसे इसके सिम्टम्स पता चलते हैं, ताकि आप यहां सर बताएं, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो जान सके, आने वाले दिनों में लोग जो है सतर्क भी हो सके। थैंक यू। देखिए, जो नया वेरिएंट आजकल आया है, जिससे बहुत सारी चर्चाएं आजकल जारी हैं, सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोविड वायरस की तरह। इसको हमने नया नाम दिया H3N2। स्प्रेड का तरीका भी वही है और सिम्टम्स भी लगभग वही हैं। लेकिन एक अच्छी बात इसके साथ यही है कि उतना डेंजरस नहीं है जितना कोविड-19 वायरस था। लक्षणों की अगर हम बात करें तो वही तेज़ बुखार, बहुत सीवियर बॉडी एक, रनिंग नोज, कफ, ज़्यादा सीवियर तो सांस में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी होना, और कई लोगों की डेथ तक इसमें हो जा रही है। लेकिन उतना परसेंटेज नहीं है डेथ का जो कोविड-19 में था। सर, ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये वायरस भी कोरोना वायरस जैसा है? क्योंकि कोरोना वायरस जब आया था दुनिया में तो ये कहा जाता था कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर हम साथ में बैठ रहे हैं तो ये जो डर है ये सताता था कि कहीं इनसे जो हम भी संक्रमित ना हो जाए। क्या इस वायरस में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है सर? हाँ, देखिए, जो हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे कोविड में, प्रोटोकॉल लगभग वही हमें फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और गैदरिंग से बचें। वायरस उस जैसा नहीं है, उतना डेंजरस नहीं है, ये बहुत माइल्ड सी डिजीज़ है एक तरह से, लेकिन बचाव ज़रूरी है। डेथ रेट उतना नहीं है, बहुत माइल्ड सा है, लेस